हेलो दोस्तों, वेलकम चैनल। थोड़ा ऐसा वीडियोस में डिले हो रहा है क्योंकि मैं एग्ज़ाम में बिज़ी हूँ। और खैर, न्यूज़ से शुरू करते हैं। ममता बनर्जी की एक हिपोक्रेसी में सामने लाना चाहता हूँ। ये ममता बनर्जी की हिपोक्रेसी रह गई है या डर है ओपोजिशन का? मैं डर इसलिए कहूँगा क्योंकि जो वेस्ट बंगाल है हमारा, वो एक इतनी बुरी हालत में है कि ऐसा लग रहा है वो एक दूसरा कश्मीर बनने जा रहा है। उस मुद्दे पे मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे वो धीरे धीरे एक इस्लामिक स्टेट की तरह कन्वर्जन हो रहा है उसका। लेकिन फ़िलहाल बात करते हैं कि ममता बनर्जी का एक एप्लीकेशन जाता है इलेक्शन कमीशन को, तो ये कहते हैं कि खली को रोका जाए ताकि वो भाजपा के लिए प्रमोशन ना कर पाएँ। वो इसलिए रोका जाए क्योंकि खली एक US सिटीज़न है और उनको कोई हक नहीं है लीगली कि वो इंडियन वोटर्स को अपनी इमेज की वजह से मोटिवेट कर पाएँ या फिर भाजपा की तरफ डायरेक्ट कर पाएँ। इनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, अगर कोई हमारा इंडियन सिटीज़न जिसने अपनी अपने देश को रिप्रेजेंट किया हो कहीं बाहर, हमारा अगर इंडियन सिटीज़न अगर कभी पुलिस में रह के सर्विसेज दी हो, इतने सालों तक वो इंडियन सिटीज़न रहा हो, वो चला गया बाहर अपनी रेस्लिंग के लिए, उसने सिटीज़नशिप ली US की, माना वो वहाँ का सिटीज़न अब हो गया, लेकिन पैदाइश तो वो यहीं की है। चलो ठीक है, अगर उसके बावजूद अगर कानून कहता है कि आपकी पैदाइश कहीं की भी हो, अगर आप सिटीज़न यहाँ के नहीं हैं और उस पर पाबंदी लगाता है, इन दैट केस फिर तो बहुत सवाल उठते हैं। पहला सवाल सबसे पहले ये उठता है कि ममता बनर्जी ने खुद बांग्लादेशी एक्टरों को यूज़ किया इस हरकत के लिए। BJP ने भी सवाल उठाया था इस बात पर। तो जब आपने ही ये गलती की हुई है तो आपको ही ये गलती शुरुआत से ही नहीं करनी चाहिए थी, फिर आप दूसरों को क्यों दोष दे रही हो आज की डेट में? आपको पता है अगर ये गलती है तो आपने शुरुआत क्यों की? पहली चीज़, वो तो पैदाइश भी उनकी वहाँ थी, बांग्लादेशी एक्टरों की, उनकी पैदाइश भी वहाँ थी, वो कभी इंडियन नेशनल रहे भी नहीं, और आपने उनको यूज़ किया अपनी पॉलिटिक्स के लिए। अभी रीसेंट में न्यूज़ आ रही थी, कुछ दिन पहले की ही बात है, कि हिंदू वोटरों को मार पीट के अलग रखा जा रहा था कि आप वोट नहीं दे सकते, उनके नाम पर फर्जी वोट कास्ट हो रहे थे। जाहिर सी बात है, किसको कास्ट हो रहे होंगे? और मतलब एक तरीके से वहाँ पे दंगा फसाद जैसी सिचुएशन ला दी थी, डेमोक्रेसी को ख़त्म करने वाली हालत ला दी थी। और ये सब एक चीज़ और हुई जब वहाँ पे BJP के कार्यकर्ता अपना नो रैली वैली प्रमोशन कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ के TMC के वर्कर्स जो हैं, या फिर कह दें कि वहाँ के कार्यकर्ता जो हैं TMC के, उन्होंने मारा पीटा, ये सब चीज़ें करने नहीं दी, और एक तरीके से एक छत्र राज चलाने वाली हरकत कर रहे थे वो लोग। तो जब खली गए, फनी यहाँ पे इसलिए मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ कि जब खली गए तो मुझे एक चीज़ स्ट्राइक की कि अगर इस रैली में अगर कोई आता है TMC का कार्यकर्ता रोकने, तो सबसे पहले तो उसको खली से ही मार पड़ने वाली है। मुझे ऐसा फील हो गया कि खली एक रेसलर है, उसके सामने आप ऐसी हरकत करोगे और उसको चोट पहुँचाने की कोशिश करोगे या उसके आसपास के लोगों को, तो वो मारेगा, अगर वो मारेगा तो कोई बचेगा नहीं। तो मुझे तो यही फील हुआ कि TMC कार्यकर्ता इसे डर गए कि हम तो इसकी रैली में जाके इसको मार पाएंगे नहीं, तो अब कंप्लेन ही कर देते हैं। लेकिन इतने बेवकूफ़ हैं कि जब इनको ये चीज़ गलती लगी थी तो खुद पहले क्यों करी हुई थी? और रही बात, इंडिया में पैदा हुआ आदमी और बाहर की सिटीजनशिप ले ली बाद में, तो फिर तो राहुल गांधी पर भी सवाल उठता है, क्योंकि उन्होंने अपने कागज़ में, कंपनी के कागज़ में अपने आप को ब्रिटिश की नागरिकता दिखाई है अपनी। तो उस हिसाब से तो राहुल गांधी तो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट तो छोड़ो, वो आदमी इलेक्शन लड़ भी नहीं सकता, तो फिर तो पूरी कांग्रेस पार्टी ख़त्म हो जाएगी ऐसे। अब अगर इस चीज़ पर रोक लगी तो इलेक्शन कमीशन को राहुल गांधी के ब्रिटिशर होने का भी ध्यान देना पड़ेगा, उस मुद्दे पर भी रोक लगानी पड़ेगी। ममता बनर्जी ने जो उन एक्टरों को, बांग्लादेशी एक्टरों को ला के अपना प्रचार प्रसार कराया, उस बात भी ममता बनर्जी के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए ताकि दोबारा ऐसा कोई ना कर पाए, कोई पार्टी ना कर पाए। बीइंग न्यूट्रल, अगर आप किसी और देश के सिटीजन से करा रहे हो और अगर वो एक मुद्दा है, अब एक तो बात यह कि खली होल एंड सोल सिटीज़न नहीं है वहाँ के, पैदाइश यहाँ की है, देश को रिप्रेजेंट किया है कई साल, मतलब पैदा होकर तब तक वो यहाँ आ रहा है जब तक वो एक इंटरनेशनल रेसलर नहीं बन गए,
वो फिर बड़े मतलब एक एज के बाद उन्होंने वहाँ की सिटीजनशिप ली, और ममता बनर्जी पैदाइशी वहाँ के बांग्लादेशियों से करा रही हैं, जिनकी पैदाइश वहाँ, जिनकी नेशनैलिटी वहाँ है उनसे करा रही, तो वो गलत नहीं था। लेकिन एक इंडिया में पैदा हुआ किसी से करा दिया किसी ने, तो जस्ट बिकॉज उसने कुछ समय के बाद अपनी नागरिकता बदल ली, तो आपने उसको वहाँ का सिटीजन घोषित करते हुए आरोप लगा दिया। जो लीगल प्रोसीजर है वो जायज़ है, जो है सिटीजन वो है सिटीजन बाहर का, चाहे कहीं का भी पैदा हुआ। अगर कानून कहता है कि अलाउड नहीं है तो नहीं है, वो सबके लिए लागू होता है। तो अगर एक्शन ले तो भाई राहुल गांधी के लिए भी ले, सोनिया गांधी के लिए भी ले। आज की वीडियो में इतना ही, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।